दोस्तों रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया एग्जाम डेट और एडमिट कार्ड के रिगार्डिंग। बहुत बड़ी खुशखबरी आई है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हुए देख लेते पूरी जानकारी इस वीडियो में फटाफट से विद ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ। उसके पहले आपको एक सवाल का जवाब देते जाना है, विश्व स्वास्थ्य दिन कब मनाया जाता है? आपके स्क्रीन पर दिए गए ऑप्शन में से एक सही ऑप्शन आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके टाइप करके भेज देना और बन जाना स्मार्ट व्यक्ति। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आप सभी को आना है indianrailway.gov.in की ऑफिशियल वेबसाइट पर, और यहाँ से आप किसी भी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ सकते हो। हम एग्जाम्पल के लिए कोलकाता बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर आए, और दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हो 3 जुलाई 2019 को यहाँ पर लिंक एक्टिवेट हुआ है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ है, नोटिस ऑन सीबीटी शेड्यूल एंड ई कॉल लेटर। जब यहाँ पर आप डाउनलोड के बटन पर क्लिक करोगे तो दोस्तों आपके सामने ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा। दोस्तों इस नोटिफिकेशन के माध्यम से आप सभी को ये पता चल जाएगा कि आरआरबी एनटीपीसी की सीबीटी फर्स्ट एग्जाम कब से स्टार्ट होगी और एडमिट कार्ड कब जारी किए जाएंगे। जिया 200 सेंट्रलाइज इंप्लॉयमेंट नोटिस नंबर 02/2019 के अंतर्गत पैरामेडिकल कैटेगरीज के अंतर्गत जो पद निकाले गए थे जिसका एग्जाम शेड्यूल जारी हो चुका है जिया 19 जुलाई 20 जुलाई और 21 जुलाई 2019 को पैरामेडिकल की सीबीटी फर्स्ट एग्जाम आयोजित कराई गई है जिया दोस्तों। और आप अपनी एग्जाम सिटी एग्जाम डेट इंटीमेशन 9 जुलाई 2019 से देख पाएंगे, और उसके साथ ही साथ आप अपना ई कॉल लेटर एग्जाम डेट के 4 दिन पहले डाउनलोड कर पाएंगे। और दोस्तों मॉक टेस्ट देने का लिंक 9 जुलाई 2019 को एक्टिवेट होने वाला है, और जैसे ही लिंक एक्टिवेट होता है सबसे पहले हम आप सभी को अपडेट कर देंगे। 19 जुलाई 2019 को जिनकी एग्जाम होगी वो अपना एडमिट कार्ड 15 जुलाई 2019 को डाउनलोड कर पाएंगे, और जिनकी एग्जाम 20 जुलाई 2019 को होगी वो अपने एडमिट कार्ड 16 जुलाई 2019 को डाउनलोड कर पाएंगे। एप्लीकेशन स्टेटस चेक करने का लिंक 7 जून 2019 को एक्टिवेट किया गया था। अगर आपने अपना एप्लीकेशन स्टेटस चेक नहीं किया तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डायरेक्ट लिंक मिल जाएगी जहां से आप अपना एप्लीकेशन स्टेटस चेक कर सकते हैं। दोस्तों यहां पर हम बात करते हैं सीबीटी एग्जामिनेशन स्कीम एंड पैटर्न की, तो 290 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को 120 मिनट का समय दिया जाएगा। टोटल 100 सवाल होंगे, और सेक्शन वाइज मार्क्स के लिए आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखना होगा। और दोस्तों टाइप ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर एमसीक्यू टाइप के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होने वाले, और निगेटिव मार्किंग होगी, 3 सवाल गलत करने पर 1 अंक काटा जाएगा। सिलेबस के लिए आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख सकते हो। सभी अभ्यर्थियों को रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड द्वारा यहाँ पर इम्पोर्टेंट टिप दी गई है कि सभी अभ्यर्थियों को एग्जाम सेंटर जाते वक्त अपने पास ई कॉल लेटर के साथ ओरिजिनल आईडी प्रूफ जैसे कि आधार कार्ड पैन कार्ड और उसके साथ ही साथ कलर पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जाना है, तभी आपको एग्जाम हॉल में एंट्री दी जाएगी। बात करते हैं यहाँ पर आरआरबी एनटीपीसी के सीबीटी फर्स्ट एग्जाम की। जैसा कि आप देख सकते हो 21 जुलाई 2019 को पैरामेडिकल कैटेगरीज की एग्जाम खत्म हो जाएगी, और उसके तुरंत बाद आपके आरआरबी एनटीपीसी के लिए एग्जाम सिटी इंटीमेशन और ई एडमिट कार्ड चेक करने का लिंक एक्टिवेट किया जाएगा। और दोस्तों जुलाई माह के अंत में आपकी ये सब चीज हो जाएगी, और अगस्त माह के पहले सप्ताह से आरआरबी एनटीपीसी की सीबीटी फर्स्ट एग्जाम स्टार्ट होगी। तो बहुत बड़ी अपडेट आई है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।